गगा थाना क्षेत्र के शिवपुर में दो पट्टेदारों के बीच हुई हिंसक झड़प में चंकी पांडे ने अपने ही पट्टेदार 50 वर्षीय एडवोकेट राजेश्वर पांडे को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेश्वर पांडे पूर्व में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। गोली लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश व गगहा थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। अरे सर, ताली सर, ताली सर, कोई है सर, हटाने सर, इधर का सर, हमारे साथ है, तुम्हारे यहाँ का तो प्रमोशन को बता दो भैया, बॉडी निकल गई है, जल्दी जल्दी ले जाए, तो साफ कर लो। मंत्री भूल रहा हूँ सर, हुआ तो बना वीडियो तू बोलेगा नहीं ना ना मैं क्या हो रहा अरे सर ताली सर ताली सर कोई है सर हटाने सर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, गगहा में एक राजेश्वर पांडे जी की मर्डर की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर गई है तो इसमें पता ये चला है कि राजेश्वर पांडे और के पिताजी और जो भी अभियुक्त ओम प्रेम कुमार पांडे उर्फ चंकी पांडे हैं, उनके बाबा जी आपस में सगे भाई हैं या आपस में पट्टीदार हैं। इनका पूर्व से कुछ विवाद था जिसमें आपस में कहासुनी हुई, उसमें गोली चली है और उसमें राजेश्वर पांडे जी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इसमें 5 लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी तहरीर प्राप्त हो रही है, हमने 5 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी शेष अभियुक्तों की भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करा दी जाएगी। सर, जिस युवक ने गोली मारी उसका कोई आपराधिक इतिहास है? ये चूंकि अभी का मामला है, बहुत जल्दी का मामला है, इसमें तहरीर ली जा रही है और बहुत जल्दी इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस किसी भी दोषी को